बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरस्कार पार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जय कारण भूमि है तैयार बस योद्धाओं का है इंतजार हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज अभिनव सिंह योर रीजनिंग मेंटर वेलकमिंग यू ऑल ऑन टेक्स डॉट कॉम मेरा नाम है अभिनव सिंह राजावत और मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे Testbook.com डॉट कॉम के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बज चुके हैं हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी लोगों को पता है कि एक डेली क्लास है रोज रात में आठ बजे मैं लाइव आता हूं और रीजनिंग के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और आज का सेशन भी उसी पर है लेकिन आज एक और बात इंपॉर्टेंट है कि एस एस सी का जो पेपर हो रहा है जो कल से स्टार्ट हुआ है एस एस कल भी हुआ था आज भी हुआ है तो उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आप सभी लोगों के साथ तो सभी लोगों को सभी लोगों को ये सेशन पूरा देखना है लास्ट तक देखना है ठीक है भाई सेशन देखना शुरू किया है तो पूरा देखना लास्ट तक क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो लोग एमटीएस का पेपर दे रहे हैं वो भी और जो नहीं दे रहे हैं वो भी देखिए कि अभी इस टू थाउजेंड में जो एस पेपर कंडक्ट कर रहा है उसमें क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं ठीक है तो पूरा सेशन देखना है लास्ट तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से जा रहा होगा दो चीजें जो आपको लगातार करती रहनी होंगी फ्री क्लास है कोई चार्जेस नहीं कोई कुछ नहीं हमारी पूरी मेहनत बस आपको देखना है सीखना है बस ठीक है उसके लिए बस इतना एफर्ट हमारे लिए कीजिएगा कि शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और इस सेशन को लाइक भी करते चलिएगा दोनों बातें ठीक है तो मैं चलता हूं आगे की तरफ स्लाइड्स दिखाता हूं आपको कि क्या क्या हमारी स्लाइड्स में है ये देखो रॉकेट उड़ गया हमारा तो पहले तो टाइमिंग बता देते हैं कि दो टाइमिंग हमारी देखो क्लासेस होती हैं एक शाम को चार बजे और दूसरी रात में आठ बजे ये दोनों टाइम अपने दिमाग में बैठा लो रीजनिंग के लिए ए एस आर सर के पास आना है सभी समस्याओं का निवारण समाधान तुमको यहां मिल जाएगा बैच की बात कर लेते हैं ये हमारा बैच आपको पता है मैं शुरुआत में बैच के बारे में बताता हूं आपको तो ये हमारा बैच है एसएससी का एसएससी लाइव कोचिंग सारे एग्जाम्स के लिए एक लौता बैच ये आपका काम कर जाएगा ठीक है जिसको आप रामबाड़ बोल सकते हैं इसमें सारे एसएससी के एग्जाम्स कवर हो जाएंगे आपके एक साल का पूरा ड्यूरेशन है बहुत आराम से सब कुछ पढ़ लेंगे सीख लेंगे फ्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए लाइव क्लासेस 400 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस 50 से ज्यादा टेस्ट 150 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स डाउट आपके जो होते हैं अगर कभी भी तो एक घंटे के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है पर्सनल क्लास नोट्स आप बना सकते हो बैच का प्राइस है 499, लेकिन इसमें आपको 20 का डिस्काउंट मिल रहा है अभी जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो अभिनव एस ए बी एच आई एन ए वी एस तो यही बैच आपको कम हो करके मिल जाता है थ्री ट्रिपल नाइन में अब इससे अच्छा क्या हो सकता है थ्री ट्रिपल नाइन पूरे एक साल के लिए आराम से एक बार का इन्वेस्टमेंट पूरा प्रिपरेशन कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर, अगर आपको लगता है कि ये भी मान लीजिए पेमेंट करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो इसको भी आप पार्ट पेमेंट में कर सकते हैं दो पार्ट में तीन पार्ट में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है है ना इसके लिए कुछ अलग से पेमेंट भी नहीं करना एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं करना है ये आपके फैकल्टीज हैं जो इस बैच में आपको फैकल्टीज मिल रहे हैं ये यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से ये सभी फैकल्टीज मिल करके आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो गोपिका मैम ऋतुराज सर अभिनव सर कौस्तुभ सर और हीना मैम तो ये सब आप लोगों के लिए समर्पित चलें शुरू करें सब लोगों ने शेयर कर दिया है शमा परवीन अभिषेक सोनम रितिका, मार्कोस रिंपा दास सुमी गगन यादव अंकित विराज मानवी ओके तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये उड़ गया रॉकेट हमारा देखो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है एज से रिलेटेड है क्वेश्चन मैं इसको एक्स मान के सॉल्व करूंगा आपको ट्रिक आती होगी आप जल्दी सॉल्व कर दीजिए आंसर बताइए देखिए कौन बताता है इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हल्के फुलके बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं अनुज 24 साल छोटा है अपनी मदर से तीन साल के बाद उसकी माता जो है वो चार गुना हो जाएगी उसकी आज की वर्तमान की आयु से तो प्रेजेंट एज क्या है माता जी की माता जी की उम्र बताओ चलो भाई माता जी की उम्र पता लगाते हैं तो सबसे पहले तो माता जी की एज हम मान लेते हैं कितनी? और अनुज की एज हम मान लेते हैं कितनी अनुज 24 साल छोटा है तो माता जी अगर x है तो अनुज 24 साल छोटा है तो x माइनस चौबीस हो जाएगा तीन साल के बाद यानी कि x प्लस थ्री माता जी एक्स है ना तीन साल के बाद इसकी वर्तमान आयु जो है वो इक्वेशन माइनस ट्वेंटी बन जाएगा बहुत आराम से अब बस इसको सॉल्व कर दो ये x आ जाएगा ये प्लस का थ्री हो जाएगा ये आपका फोर एक्स हो जाएगा और इसके बाद फोर फोर 16 सिक्सटीन फोर टू एट और एक नाइन नाइनटी सिक्स हो जाएगा अभी फोर एक्स इधर है एक्स इधर एक्स को इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4X, minus X, तो ये 3X हो जाएगा 96 इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा 99. तो ये इधर आ प्लस की वैल्यू तैतीस गया हमें माता जी की प्रेजेंट एज पता करनी थी तैतीस आपका आंसर आ चुका है टिक कर दोगे किसमें ऑप्शन नंबर थ्री को छत्तीस नहीं रे बेटे छत्तीस नहीं आएगा तैतीस आएगा क्या करते हो छत्तीस हाँ, कैसे आ जाएगा माता जी की एज तीन साल बाद चार गुना हो जाएगी अभी जो उसकी एज है उससे उससे चार गुना हो जाएगी ये करके कौन है? सोनी दुबे कह रही आई एम बैक हम आपका बहुत इंतजार कर रहे थे जैसे हीरो है हमारी क्लास की है, हीरो या हीरोइन ही बोलना चाहिए ना ठीक है चलिए आगे मूव करते अगला क्वेश्चन आपको दिखाते ये एक नंबर सीरीज है सात से शुरू हुई है पहुंच चुकी है सिक्स सेवन टू जीरो पे और इसके बाद कौन सा नंबर आएगा ये ऑप्शन देख करके तो आप समझ ही सकते हैं इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं तो देखो भाई कौन बताता है गुड नाइट तब बोलते हैं जब विदा लेते हैं जब मिलते हैं तब गुड नाइट नहीं बोलते कभी जाना किसी के साथ घूमने फिरने शाम को मिलने जाना तो गुड नाइट ना बोल देना मामला वही खराब हो जाएगा मामला खराब क्या वही मामला खत्म हो जाएगा ठीक है गुड इवनिंग बोलना बेटा सुधर जाओ विराज बेटे बहुत अच्छा सुधर जाओ थोड़ा सा सुशीला क्या बात है संजू आ जाओ आ जाओ वेलकम है बेटा वेलकम है क्या हो रहा है यहां पर अगर हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो 56 हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है सात से डायरेक्ट 56 है तो सेवन को अगर हम एट टाइम कर देते हैं तो सेवन 8 फिफ्टी सिक्स हो जाता है 56 है 56 को कितना टाइम कर दें कि हमारा 560 हो जाए सबको पता है कि 10 गुना ही करना पड़ेगा जीरो बढ़ गया है बस आगे यानी पहले आठ से मल्टीप्लाई था फिर दस से मल्टीप्लाई था अब इसके बाद बारह से मल्टीप्लाई हुआ होगा जब हम बारह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है सेवन, टू, जीरो। अब सेवन, टू, जीरो को चौदा से मल्टीप्लाई कर दो बेटा दो दो बढ़ाते चल रहे हैं आप देख रहे होंगे जब हम दो 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 बढ़ाते चल रहे हैं तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर वैसे ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं तो आइए देखते हैं क्या वाकई में ऑप्शन नंबर फोर आंसर है तो ये उड़ा रॉकेट हाँ जी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर वेल डन बच्चों बहुत बढ़िया क्लैपिंग कर सकते हैं आप लोग अपने लिए क्लैप करते समय ध्यान देना मोबाइल ना छोड़ देना वरना गिर जाएगा नुकसान हो जाएगा है ना ये देखो मेरा फोन बज रहा है थोड़ा थोड़ा है ना क्यों बज रहा है क्योंकि ये साइलेंट पे नहीं है भैया साइलेंट हो जाओ वरना हमारे बच्चे वायलेंट हो जाएंगे है ना यस चले फिर आगे की तरफ मूव करें तो पहले आठ से मल्टीप्लाई था फिर दो दो बढ़ाते चल रहे थे दस से बारह से चौदह से सिंपल क्वेश्चन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं विकास प्रसाद जी थैंक यू सो मच हम कोशिश करते हैं बस है ना बाकी तो ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया ये एक इमेज बना हुआ है इसके सामने ए और बी रेखा पर मिरर रखा हुआ है एक इमेज है जिसके सामने ए और बी रेखा पर मिरर रखा हुआ है इसका रिफ्लेक्शन मिरर पर कैसा दिखाई देगा बहुत ही आसान क्वेश्चन बहुत मामूली क्वेश्चन सर अपना नंबर दे दीजिए बिल्कुल दे देंगे मैं यही इसीलिए तो लाइव आता हूँ यूट्यूब पर कि मुझे अपना नंबर देना है लोगों को मैं मैं बहुत परेशान रहता हूँ अपना नंबर मैं नहीं दे पाता हूँ लोगों को अभी पढ़ लो पूरा पूर, पूरा पढ़ लो और अभी मैं देखो यहाँ पे नंबर दे दूंगा आपको फोर होगा तो देखो भाई एक तो ये जो इमेज बनी है तो ऐसी रहेगी ये जो एरो है जो जा रहा था राइट अब इधर लेफ्ट आता हुआ एरो होना चाहिए ये कैंसिल है ये तो बहुत ही गलत है अब इसमें देखो ये एरो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा दोनों में ऊपर जा रहा है लेकिन ये एरो जो इसमें राइट की तरफ है जब इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो सॉरी ये लेफ्ट की तरफ है तो इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो राइट की तरफ होना चाहिए ये तो वैसा करती ये तो एज इट इज वैसा कैंसिल कर देंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर है सभी बच्चे हमारे बिल्कुल रॉकेट के जैसे आंसर कर रहे हैं क्या बात है बहुत बढ़िया उड़ाते चलो बच्चों उड़ाते चलो एकदम रुकना नहीं है एस 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 कोई हवा नहीं है बहुत आराम से निकल जाएगा पेपर में सारे क्वेश्चन कर जाओगे 25 में 25 कर जाओगे ये भी नहीं बोलूंगा 22 करोगे 23 करोगे 25 में 25 कर ले जाओगे है ना अरे इतनी बार नंबर मांगोगे तो मैं तो तुम अपनी तुम अपनी तरफ से कोई नंबर ले लो तुम मुझे न, वो नंबर का सिम मुझे दे देना ठीक है मैं वो नंबर यूज कर लूंगा जिन लोगों का कल एग्जाम है उन लोगों को बेस्ट विशेष पूरा सेशन देख लीजिए ध्यान से पैनिक मत होना बस समझ लो कि प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है ये मत सोचना कि अरे ये आ रहा है वो आ रहा है बस प्रैक्टिस कर लो बेटा ठीक है प्रैक्टिस कर लो कबुआ आ गया हमारी क्लास में अच्छा एक तस्वीर में एक महिला की तरफ से इशारा करते महिला की तरफ इशारा करते हुए सखी ने कहा सखी ने कहा तो सखी उसका नाम होगा उसकी दोस्त भी हो सकती सखी लेकिन नाम है उसका सखी ने कहा कि उसके बेटे के पिता मेरी मां के सनिलो हैं तो बताओ वह महिला सखी से किस प्रकार संबंधित है सिस्टर है आंट है मदर है कजिन है क्या है दीक्षा विश्वकर्मा कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुए हो दो ही तीन क्वेश्चन हुए हैं पूरा सेशन देखना अब लास्ट तक सर मेरा आठ को है लव कुश ठीक है जितने भी लोगों का आने वाले दिनों में पेपर है पूरा सेशन देखो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं सारे क्वेश्चन कर लोगे सिस्टर यहां पर आंसर मुझे मिल रहे हैं देख रहा हूं मैं सिस्टर यहां पर आंसर मिल रहे हैं देखो पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ सखी सेड हर सन फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर उसके बेटे के पिता मेरी माता के सन इन लॉ है तो सखी बोला कि मेरी मेरी माता के सन इन लो, मेरी माता के के तो सखी अगर फीमेल है तो उसके पति की बात हो रही है सखी अगर फीमेल है तो उसके पति की बात हो रही है कि मेरी माता के सन इन लो ये हो गए अब उसके बेटे के पिता तो मान लेते हैं कोई और बहन है इसकी मान लेते हैं या फिर हम इसको सखी को दूसरा पर्सन मान लेते हैं क्योंकि महिला दूसरी है वो एक दूसरी महिला की ओर इशारा करा जा रहा है ये सखी कर देते हैं तो सखी ने बोला कि किसी के बेटे ये जो महिला है ये जो महिला यहाँ पर इनके बेटे के जो पिता हैं ये जो महिला है इनके बेटे के जो पिता हैं वो कौन है वो मेरी माता के सिनलो है मेरी माता के सीन लो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो महिला है वो सखी से कैसे संबंधित है तो ये दोनों बहने हैं क्या है बहने बहने दे मुझे बहने दे मतलब आंसर इसका ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा बात सही है बहनिया जी बहनिया यहां पर आंसर आएगा बहनिया बहुत बढ़िया गार्गी शमा परवीन सोनी पहाड़ी बॉय और यस 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 अगला क्वेश्चन देखो सोलह का रिलेशन अगर चालीस से है सोला का रिलेशन अगर चालीस से है तो बीस का रिलेशन किससे होगा सोलह में कितना ऐड कर दें कि चालीस हो जाए सोलह चार बीस और बीस और यानी कि चौबीस चौबीस अगर यहां ऐड किया है तो यहां भी ऐड करो तो चौबीस और बीस कितना होता है चौवालिस लेकिन ऑप्शन में कहीं चौवालीस दिया नहीं है यानी केवल विनय हर महादेव बेटा केवल एडिशन से नहीं है डिफरेंस से नहीं होगा तो सोलह में ऐसा क्या कर दें कि चालीस आ जाए अरे बताओ सोलह का ऐसा क्या कर दें पचास आ रहा है आंसर क्या बात है पचास इसका यहां पर ज्यादातर लोग कह है रहे हैं मान लेते हैं पचास आंसर है देखो देखिए यहां पर क्या है सोलह का हमको ये पता है कि सिक्सटीन फाइव जा एट्टी होता है और एट्टी का अगर हम आधा कर देंगे तो हमको चालीस मिल जाएगा ये चालीस यहां पर है उसी तरीके से ट्वेंटी का अगर हम फाइव टाइम कर देते हैं तो हमको हंड्रेड मिल जाएगा और हंड्रेड का अगर हम आधा कर देंगे तो बच्चा पचास मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू में है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू में पहले पांच गुना किया फिर आधा कर दिया पहले पांच गुना फिर आधा समझे नितिन श्वेता हाँ सुरंजना मनीष मार्कोस रोमा प्रियंका ठाकुर दिनेश सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो कब करोगे क्लास खत्म होने के बाद करोगे देर हो जाएगी शेयर करो बेटा जी शेयर करो रिजल्ट लर्न एग्जाम रिवाइज स्टडी क्या कर दें मीनिंगफुल ऑर्डर में इन वर्ड्स को अरेंज करो इन वर्ड्स को अरेंज करो मीनिंगफुल ऑर्डर में मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब सार्थक क्रम हो सबसे पहले क्या करोगे वर्ड्स को पढ़ा समझ में आ गया किस बारे में बात हो रही है रिजल्ट्स लर्न एग्जाम रिवाइज स्टडी सबसे पहले आप पढ़ाई करोगे जैसा कि अभी कर रहे हो सबसे पहले पढ़ाई करोगे पढ़ाई करने के बाद उसको याद करोगे याद करने के बाद रिवाइज करोगे रिवाइज करने के बाद एग्जाम दोगे और एग्जाम देने के बाद आ जाएगा रिजल्ट है ना एग्जाम देने के बाद आ जाएगा रिजल्ट यानी कि स्टडी से शुरू करो फाइव से शुरू करो स्टडी लर्न रिवाइज एग्जाम रिजल्ट ऑप्शन नंबर थ्री यस yes, ऑप्शन नंबर थ्री डन ऑप्शन नंबर थ्री शाबाश बच्चों ये आ गया मेरा फेवरेट क्वेश्चन इसमें हमें ट्राइंगल्स पता करनी है इसमें हमें त्रिभुज पता कर रहे हैं कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आखिरी ऑप्शन थर्टी वन है ये ऑप्शन नंबर फोर थर्टी वन है ठीक है जो दिख नहीं रहा है शायद आ जाओ देखे कौन बताता है कौन है सिकंदर आज की क्लास का कौन है सिकंदर ये किसको हलवा लगता है भैया तो खा लो बेटा हलवा है तो खा लो का बताई आए गजब करते हो सत्ताईस पच्चीस तेईस इकतीस क्या लगता है तो मानवी शमा परवीन मनीष ओके इसको सब हलवा ही लगता है सत्ताईस होगा पक्का सत्ताईस होगा पक्का मान ले कसम से कुछ लोग तेईस भी बोल रहे हैं कुछ लोग स्किप करने को बोल रहे हैं स्किप मत किया करो यार ऐसा क्वेश्चन स्किप करोगे तो कैसे काम चलेगा देखो कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं तो छोड़ दे <laughs> कुछ नहीं तो है कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं एक लेफ्ट में है एक राइट में है दोनों को मिला दीजिए तीन हो जाएगा ओके यहां पर ये यह जो मिल रहा है ये एक है यहां पर जो मिल रहा है ये दो है तो एक और दो ये दो हमको और मिल गए और बड़ा वाला देखो अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी तो एक काम करते हैं ये वाला भी अभी काउंट कर लेते हैं ठीक है तो एक ये हो गया एक ये हो गया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साइज के हैं इस वजह से तो एक ये हो गया एक ये हो गया दो हमको और मिल गए लिखता चला जा रहा हूं मैं बाहर फिर सबको ऐड कर लेंगे ठीक फिर एक दो और दोनों को मिला के तीन ठीक तो तीन हमको यहां से मिल गए फिर उसके बाद अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी चलो तो बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा कर लेते तो एक ये हो गया दूसरा ये हो गया और दोनों को मिला देंगे तो तीन तो तीन हमको यहां पर और मिल गए समझ रहे हो इसी तरह अंदर वाला देखो ये यहां से यहां तक एक आपको ये मिला दूसरा आपको ये मिला और दोनों को मिला देंगे तो एक आपको और मिल गया तीन हमको यहां मिल गया मेरे हाथ के मूवमेंट देख रहे थे ना तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं ये हो गया फिर इसके बाद इसी में थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूं देखो यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा देखो ये एक है यहां से यहां तक ये दूसरा है दूसरा है, दूसरा है दो हो गए इसी तरह अरे हटो इसी तरह यहां से आगे तक तो रुक जाओ पहले मैं दो लिख देता हूं यहां पर दो हमको ये मिल गए थे इसी में मार्कर ले लेते हैं हाईलाइटर ले लेते हैं ले ले ये तो और नहीं दिखेगा क्या करते हो हाँ ये देखो यहां से यहां तक ये एक हो गया यहां से यहां तक ये आपका दूसरा हो गया तो दो हमको यहां पर और मिल गए समझ पा रहे हो कि नहीं दो हमको यहां पर और मिल गए हैं तो दो हमने यहां पर और लिख दिया फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है एक ये वाला जो हिस्सा है दो ये अलग से कुछ चल रहा है यार इसमें कुछ अलग चल रहा है मामला कुछ गड़बड़ है इसमें अच्छा तो दो हमको यहां पर और मिल गए फिर एक फिर दो फिर दोनों को मिला के तीन तीन हमको यहां पर मिल गए बहुत सारे मिलते जा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले यह बताओ सबको जरा ऐड कर लो जरा देखे कितना हो गया तीन तीन छह तीन नौ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस तक तो हम ऐसे ही पहुंच चुके हैं इससे ऊपर ही होगा हाँ जी शॉर्ट बता देते हैं तो चलो पहले तो हम बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर कितना है करेक्ट आंसर बताओ जी करेक्ट आंसर बिल्कुल सही सत्ताईस इसका करेक्ट आंसर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सत्ताईस इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है ठीक है अभी सत्ताईस सबको दिख रहे हैं कि नहीं ये बताओ कुछ जल्दी करने का तरीका बता दें देखो जल्दी करने का तरीका है सिस्टमेटिक काउंट करना पहले इस बिंदु से पकड़ लो इस बिंदु को इससे जितने भी बनते चले जा रहे हैं वो सारे काउंट कर लो फिर इसी का उल्टा पकड़ लो उससे जितने मिलते जा रहे हैं वो सब काउंट कर लो फिर लेफ्ट और राइट में जितने मिल रहे हैं वो सब काउंट कर लो ठीक है सत्ताइस कैसे होगा तो देख लो अभी मेरे हाथ के मूवमेंट देखते चलना भैया ये देखो यहाँ पर एक दोनों को मिला करके तीन ये हो गया तीन फिर ये आपका हो गया चार ये हो गया आपका पांच ठीक है पांच हो गया पांच के बाद अगर हम देखेंगे पांच के बाद अगर हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पांच के बाद ये हो गया आपका छह ये आपका हो गया सात ठीक है दोनों को मिला करके आठ ये आठ हो गए ठीक है और नीचे आइए ये, ये वाला देखिए नौ ये हो गया दस ठीक है ये यहां से यहां तक ग्यारह ये यहां से यहां तक बारह हो गया ठीक है बारह के बाद ये हो गया तेरह ये हो गया चौदह ये हो गया पंद्रह पंद्रह हो गया आपके पास ठीक है पंद्रह के बाद ये आला हो गया आपका सोलह इधर से देखेंगे सोलह के बाद ये हो गया आपका सत्रह इसी का बड़ा भी दिख रहा है सत्रह के बाद ये देखो यहां से यहां तक ये हो गया अट्ठारह ठीक है अट्ठारह हो गया इधर से जाओगे तो ये हो गया कितना उन्नीस हो गया ठीक है उन्नीस ये हो गया फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो उन्नीस के बाद यहां से यहां तक देखोगे तो ये आपका बीस हो गया यहां से आखिर तक देखोगे तो ये आपका इक्कीस हो गया इक्कीस हो गया इक्कीस के बाद इसी में और बड़ा रूप देखो इक्कीस के बाद यहां से यहां तक देखो बाईस हो गया ये आपका तेईस हो गया ये आपका चौबीस हो गया ठीक है अभी इसमें क्या है कि ज्यादा इसमें ज्यादा चलते चले जाएंगे तो इसी में इसीलिए आपको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है इसमें खैर इसका सॉल्यूशन या तो इसमें हाईलाइट करके देना पड़ेगा ठीक है बनेंगे टोटल इसमें सत्ताईस ही ठीक है बनेंगे टोटल इसमें सत्ताईस चलो अगला क्वेश्चन ही दिखाते हैं वरना इसमें ज्यादा समय चला जाएगा इस प्राउड का कोड आपको दिया गया है टीम का कोड पूछ रहा है इस प्राउड का आपको कोड दिया गया है एस पी सॉरी एस आर नहीं है एस पी है एस पी आर ओ यू टी इस प्राउड का कोड है एक्स यू डब्ल्यू टी जेड वाई इस प्राउड का कोड आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है स्टेम का कोड क्या होगा चलो बताओ स्टेम का कोड क्या होगा स्प्राउट का कोड दिया है स्टेम काउट स्टेम का, का, का कोड क्या होगा बताओ देखो इसमें क्या करना होगा जैसे अगर मैं एस का करीबी देखो एस का अपोजिट एच होता है एच तो कहीं नहीं दिख रहा एस से अगर मुझे एक्स बनाना हो अगर मान लेते हैं ये इसका कोड है तो कैसे बना होगा उन्नीस है ये चौबीस है यहाँ पर प्लस पांच करने से बना होगा फिर सोलह से इक्कीस कैसे बना होगा प्लस पांच करने, रहूं रहूं। करने, करने, करने से अठारह से इक्कीस कैसे बना होगा ये भी प्लस पांच करने से पंद्रह से बीस इक्कीस से छब्बीस बीस से पच्चीस इन सब में प्लस पांच करना है मतलब सभी में बस केवल प्लस पांच कर देना तो इधर भी आ जाओ सब में प्लस पांच कर दो जल्दी जल्दी फटाफट से प्लस पांच कर दो उन्नीस और पांच उन्नीस और, 1, 20, 20 और 4, 24, 24, 24 एक बीस बीस और चार चौबीस हटो भैया चौबीस चौबीस यानी कि एक्स एक्स से शुरू होना चाहिए एक लौता ऑप्शन है बाकी कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना यही तुम्हारा आंसर हो जाओगे आंसर हो जाएगा सभी में प्लस पांच करना और किसी में प्लस पांच नहीं करना इसमें भी मान लो प्लस पांच करना था ये तरह है तेरह पांच अट्ठारह हो जाता है अठारह यानी कि आर हो जाएगा ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स से शुरू आर पे खत्म एक्स से शुरू आर पे खत्म करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थ्री और कुछ करना ही नहीं है है ना और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर ये देखो रॉकेट उड़ गया हमारा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री में दिया हुआ है क्या आप सभी लोग क्लास को शेयर कर रहे हो जरा एक बार चेक कर लो अगर नहीं किया है तो मैं आपको थर्टी सेकेंड दे रहा हूं केवल इसी काम के लिए कि आप लोग शेयर कर दें वरना मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोग क्वेश्चन में बिजी हो जाओगे स्वाभाविक है लेकिन मैं आपको थोड़ा समय देना चाहता हूँ तीस सेकंड लेंगे क्लास को शेयर कर देंगे तीस सेकंड लेंगे क्लास को शेयर कर देंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर होगा और अगला क्वेश्चन किस टॉपिक का हो सकता है अगला कोई गेस करेगा अगला क्वेश्चन किस टॉपिक का हो सकता है अगला क्वेश्चन है गुप्ता फैमिली आ चुकी है ठीक है चलो भाई आई होप कि आप लोग शेयर कर रहे होगे ठीक है चले आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं यहां पर देखो आपको कथन दिए गए हैं चार और उससे निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं दो कथन दिए गए हैं चार और उससे निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं दो तो चारों कथनों को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद जो दो निष्कर्ष पूछे जा रहे हैं बता दो उसमें से कौन सा फॉलो करेगा सभी वोमेन बेटा मैन हैं सबसे पहली चीज तो सभी वोमेन जो हैं वो मैन हैं फिर कुछ वोमेन मार्च हैं तो कुछ ये देखो ये मैन था कुछ वोमेन मार्च हैं तो ये आप यहां पर मार्च बना दीजिएगा कुछ वोमेन मार्च हो जाएगा सभी मार्च आपके अप्रैल तो है तो सभी ऐसे बना लोगे ठीक है ये बन जाएगा तुम्हारा स्टेटमेंट पूरा पूरा अब यहाँ कंक्लूजन देखो कुछ वोमेन के अप्रैल है कुछ वोमेन के अप्रैल है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ वोमेन अप्रैल है यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है कुछ वोमेन का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वो मैन का कुछ पार्ट किस में अप्रैल में है ये सही हो जाएगा अच्छा कुछ मार्च क्या मैन है तो बिल्कुल है मार्च और मैन का यहां पर देखो ये ना ये वाला पार्ट शेयर हो रहा है पूरा पूरा मार्च और मैन का ये पार्ट शेयर हो रहा है ये भी फॉलो कर जाएगा पहला भी फॉलो कर रहा है दूसरा भी फॉलो कर रहा है बोथ फॉलोज हो जाएंगे आंसर इसका बोथ फॉलोज हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर कोई दिक्कत नहीं ऐसा क्वेश्चन होगा तो नहीं कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन होगा तो नहीं कर पाओगे बताओ भाई जल्दी जल्दी आ, कर लेंगे ना सिंपल है ना हो जाएगा ना बिल्कुल है चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं यहाँ पे देखो देखो जो भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तुम लोगों को जो पेपर में क्वेश्चन मिल रहे हैं वो यहां पर आप लोग जाकर के ले लीजिएगा पीडीएफ डी यहां पर जाकर के पीडीएफ ले लीजिएगा रीजनिंग विद ए एस आर कहां पर मिलेगा टेलीग्राम पर मिलेगा जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे भाग करके और रीजनिंग विद ए एस आर ये ग्रुप है इसको सर्च करो ज्वाइन कर लेना पीडीएफ तुमको यहां पर मिल जाएगा क्वेश्चन कह रहा है कि हार्म्स का कोड आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से एच ए आर एम एस एच ए आर एम एस का आपको दिया गया है आसान बहुत ही ज्यादा आसान बताओ प्रिया सिंह जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा बेटा सिद्धि सपना पूजा शुभम दीप्ति सिया मोहम्मद सावेज ओके चलिए देखिए यहां पर इनकी प्लेस वैल्यूज है और कुछ नहीं है ये है एच की प्लेस वैल्यू ये है वन की प्लेस वैल्यू ये है आर की प्लेस वैल्यू ये है एम की प्लेस वैल्यू ये है एस की प्लेस वैल्यू ये सबकी प्लेस वैल्यूज दी गई है तो वोट की बात अगर हम करते हैं डब्ल्यू ओ यू एन डी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है आपका तेईस ये है आपका पंद्रह ये है आपका इक्कीस ये है आपका फोर्टीन और ये है आपका फोर तो तेईस पंद्रह इक्कीस चौदह चार तेईस पंद्रह इक्कीस चौदह चार यहां आंसर ऑप्शन नंबर थ्री में दे रखा है सब की प्लेस वैल्यू और कुछ था ही नहीं समझ रहे हो समझ रहे हो ना बच्चों आ, बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दिखाते हैं अभी ये देखो नंबर सीरीज है नंबर हैं डिक्रीज हो रहे हैं 397 से 378 355 और घटते 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 258 तक है हाँ लुच्चा टाइप क्वेश्चन था ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है लुच्चा टाइप का क्वेश्चन होता है देखो 397 से 378 हो गया यानी कि कितना माइनस हुआ है सात में आठ चले जाएंगे सत्रह में आठ चले जाएंगे मतलब कि कितों है और आठ में यहाँ पर उन्नीस यहाँ पर बेटा उन्नीस माइनस हुआ है फिर आगे कितना माइनस हो गया है सेवेंटी एट और फिफ्टी फाइव यहाँ पर डिफरेंस निकाल लीजिए आठ में से पाँच चले जाएंगे तीन सात में पाँच चला जाएगा दो तेईस यहाँ पर बेटा ट्वेंटी थ्री माइनस हुआ है पहले उन्नीस माइनस किया फिर ट्वेंटी थ्री माइनस किया कितना बढ़ा दिया चार बढ़ा दिया अब चार अगर हम आगे और बढ़ा देंगे तो क्या ऐसा लॉजिक होगा लेकिन अगर हम यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं नाइन्टी 95 और 58 में से 15 में से 8 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर 8 में से 5 चला जाएगा तीन सैंतीस यहाँ पर सैंतीस माइनस कर देंगे तो क्या हो रहा है हाँ अगर मान लीजिए 19 है 19 और 4 तेईस है तेईस और 4 सत्ताईस है सत्ताईस में फिर उसके बाद अगर हम चार और बढ़ा देंगे तो इकतीस है इकतीस में चार और बढ़ा देंगे तो बोलो पैंतीस यहाँ पे तो सैंतीस दिया हुआ है ये लॉजिक नहीं है तो 19 एक प्राइम नंबर है अगला प्राइम नंबर आपका तेईस है तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा चौबीस नहीं पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस बोलो उन्तीस उन्तीस हो सकता है उन्तीस हो सकता है बताओ उन्तीस हो सकता है उन्तीस अगर हम माइनस कर दें तो फिफ्टी फाइव है ट्वेंटी नाइन माइनस कर दीजिएगा ठीक है पंद्रह में से नौ चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा छ आ जाएगा चार क्यों आ जाएगा ठीक पंद्रह में से नौ चले जाएंगे देखो यहां पर आंसर हो सकता है ठीक है ऑप्शन चार, चार नंबर टू में है तीन सौ छब्बीस हाँ बिल्कुल सही आंसर है तीन सौ छब्बीस इसका यहां पर करेक्ट आंसर है कैसे आना था प्राइम नंबर माइनस कर रहे थे 19 माइनस किया, फिर उसके बाद कितना माइनस किया था ट्वेंटी थ्री माइनस किया था ना हां 23 माइनस किया था फिर उसके बाद अगला प्राइम नंबर 29 माइनस हुआ था और उसी के बाद फिर आगे कंटिन्यू चलते चले जाएंगे 336 uh, 326 इसका करेक्ट आंसर था ये क्वेश्चन जरा देखो कि ये कौन सॉल्व कर पाता है भाई यहाँ पर रिपीटेड लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन है इस सीरीज को कंप्लीट करना है ये बार-बार अपने कुछ सेट ऑफ लेटर्स रिपीट करता है ऐसा ज्यादातर क्वेश्चन होता है सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं लेकिन छह बार -बार मतलब लेटर लेटर बार बार रिपीट हो रहे होंगे तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले तो गिन लीजिए कि, कि कितने एलिमेंट हैं कितनी पोजीशंस हैं तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस हमारे पास बीस पोजिशन है अभी बीस पोजिशन को हम तोड़ सकते हैं फाइव फोर ज्वेंटी में हाँ पांच पांच के चार पेयर या चार चार के पांच पेयर इस तरीके से सोचोगे तो अगर मान लो पांच पांच के बनाते हैं एक दो तीन चार पाँच स्पेस एक दो तीन चार पाँच स्पेस एक दो तीन चार पाँच स्पेस एक दो तीन चार पाँच सभी पेयर मान लीजिए डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं तो ये डब्लू से शुरू हुआ ये भी डब्ल्यू से शुरू हुआ तो इसको भी डब्ल्यू से शुरू होना चाहिए लास्ट वाला भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है डब्ल्यू के बाद यहाँ पर के है यहाँ पर भी के लिख दीजिए यहाँ पर भी के लिख दीजिए यहाँ पर भी के लिखा हुआ है ये वाला पेयर पूरा हो चुका है तो इसी को बार बार रिपीट कर दो डब्ल्यू के एल एम जे डब्ल्यू के एल एमजे डब्ल्यू के एल एम जे डब्ल्यू के एल एमजे यही बार बार रिपीट हो रहा है डब्ल्यू के एल ये बार बार रिपीट हो रहा है अब यहां पर यहां पर लिख देता हूं डब्ल्यू के एल एमजे ये बेटा बार बार रिपीट हो रहे हैं ये पांच लेटर जो हैं वो चार बार रिपीट हुए हैं हमने ब्लैंक स्पेसेस में कौन कौन से लेटर लिखे हैं एल एम के ये कैंसिल कर दो ये कैंसिल कर दो एल एम के एल एम के बाद एम जे डब्ल्यू के एम जे डब्ल्यू के फिर उसके बाद एल और एम यानी कि ये भी कैंसिल है यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू का ऑप्शन नंबर टू यही यहां पर करेक्ट आंसर है अब बताओ क्लियर है सब लोगों को एक बार जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन करके आ जाओगे क्वेश्चन छोड़ोगे तो नहीं ना ये क्वेश्चन करके आ जाओगे बताओ जल्दी से एक बार रिप्लाई देख लूंगा मैं तुम्हारा फिर उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं अगला क्वेश्चन दिखाएंगे आपको हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगला क्वेश्चन डाइस का है ये भी बता देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस का आने वाला है लेकिन उसके लिए आप लोगों को शेयर करना है और मैं आपको टारगेट दे दूं कितना टारगेट कितना दे दूं बताओ कितना दे दूं 522 चल रहा है चलिए मैं आपको 700 का दे देता हूं ज्यादा बड़ा नहीं देंगे इतना लगे कि रियलिस्टिक लगना चाहिए ना 700 प्लस लाइव स्टूडेंट करते हैं फटाफट से हम और आप लोग मिलकर के शेयर करेंगे ठीक है मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं तब तक आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस यहां पर आपसे पूछ रहा है फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा फोर के अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर दिखाई देगा फोर के अपोजिट सरफेस पे नंबर कौन सा दिखाई देगा तो आपको एक पासे की दो स्थितियां दर्शा दी गई हैं तो पहले तो इसमें देखो कि कॉमन क्या है तो दोनों में फाइव कॉमन है केवल फाइव कॉमन है फाइव से घड़ी की दिशा में घूमो सिक्स मिलेगा यहाँ पर घूमो टू मिलेगा बचा कौन फाइव तो फाइव का अपोजिट थ्री हो जाएगा ये तो मैंने सारे अपोजिट निकाल दिए लेकिन हमें जो पूछा था सिंपल चार का तो चार का अपोजिट एक होगा जो कि आंसर ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है ना सिंपल ये देखो सारे रॉकेट आज कितने रॉकेट उड़ गए उस दिशा में तुमको पता चला हाँ आपस में बातचीत नहीं इशिका प्रिया नहीं शनेहा जतिन राजू मार्को सोमी मनीष कुमार बेटा चलो ये देखो यहां पर हिंदी नहीं दिया लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है ये जो ट्राइंगल के अंदर जितने नंबर हैं वो सब कौन है मैन है रेक्टेंगल के अंदर जितने नंबर हैं वो सब कौन है वोमेन है सर्किल के अंदर जितने नंबर हैं वो सब कौन है? हैं चिल्ड्रन हैं समझ में आ रही बात तो आपको ये बताना है हाउ मेनी मेन आर वोमेन। कितने ऐसे मेन वोमेन हैं तो ये रियल रियलिस्टिक रे, क्वेश्चन तो हुआ नहीं है आपका तो इसमें ज्यादा परेशान मत होना तो ऐसा कोई नंबर जो दोनों में कॉमन हो मेन और वुमेन दोनों में अब ऐसा तो है नहीं कि चिल्ड्रन को मना किया है या फिर ओनली लिखा होता ओनली भी नहीं लिखा है चिल्ड्रेन को मना भी नहीं किया है तो ऐसा कोई नंबर जो दोनों में कॉमन हो चिल्ड्रेन में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है तो सेवन ही आ रहा था आप लोगों ने सही समझा करेक्ट आंसर इसका सेवन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है शाबाश बहुत बढ़िया तो कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं क्या कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं बोलो तो कल से काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे व्रत रखना शुरू कर देंगे हम लोग भी क्या करते थे जब हमारा पेपर आने वाला होता था तो ज्यादा मंदिरों के चक्कर लगने लगते थे है ना व्रत वगैरह शुरू हो जाते थे ताकि जो है ताकि जो है ऊपर वाले की हाँ जी जय माता दी जय माता दी प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो चलो क्वेश्चन भी आ चुका है सॉल्व करो बेटा जी ए जो है वो सिक्स है लेफ्ट से जबकि टोटल हमारे 68 लोग हैं तो बताइए कितने स्टूडेंट ए के बाद होंगे नहीं हम व्रत नहीं रहते यार व्रत व्रत अंदर से आता है ना फीलिंग होनी चाहिए मेरी अभी आ नहीं रही फीलिंग अभी जाग नहीं रही अंदर से जब ही जागेगी तो कर लेंगे अरे यार सिंपल सी बात है देखो कितने लोग हैं इसमें अट्ठारह लोग हैं टोटल अट्ठारह लोग हैं ए जो है वो लेफ्ट से सिक्स है ए भाई साहब जो हमारे हैं वो लेफ्ट से छठे हैं टोटल अट्ठारह लोग हैं नहीं यकीन है तो पढ़ लो यहाँ पर दिया हुआ है तो अट्ठारह लोगों में ये छह लोग हटा दीजिए कितने बचेंगे बारह ही तो बचेंगे और यही आंसर हो जाएगा इसमें इतना सिंपल सा टुच्चा सा क्वेश्चन था ये है ना टुच्चा सा क्वेश्चन था क्या बात बच्चा जी जल्दी 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 उड़ाते चलो रुकना नहीं है यहां यहीं से कंपटीशन शुरू हो जाता सुरांगना कुनाल लिप्सा रिम्पा ठीक है ताहिर अली जी समझ रहे हैं क्वेश्चन दिखाए अगला ये आपको चार शब्द दिए गए हैं और इसको क्या कर देंगे इनको हम शब्द कोश क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो क्या लगता है जब इनको शब्द कोश क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो क्या दिखेगा मतलब नंबर क्या दिखेगा सीक्वेंस क्या दिखेगा तो देखो H तो सब में कॉमन है A भी सब में कॉमन है, C L C C तो C आएगा ना पहले C आ जाएगा यानी ये सबसे लास्ट में चला जाएगा सेकेंड सबसे लास्ट में होना चाहिए इस तरीके से कैंसिल कर दो सेकेंड सबसे लास्ट में होना चाहिए था फिर उसके बाद शुरुआत किससे करें C C के के आई अब के और आई में सबसे छोटा कौन है आई छोटा है फोर से शुरू होगा लो हटा दो इसको मिल गया आंसर ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर अब बताइए ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप ना कर पाए सारे क्वेश्चन हमारे बच्चे कर लेते हैं सब एकदम होशियार हैं कह रहे हैं सर हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में ये फ्री के क्वेश्चन ये फ्री के नंबर देने वाले मैं थोड़ा हट जाता हूँ इधर अभी क्या हो रहा है कि एक ये पेपर था ठीक है ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है यहां से पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड किया गया एरो बना हुआ है जब फोल्ड कर दोगे तो ऐसा पेपर दिखेगा इसमें भी ये हॉरिजेंटल एरो लाइंस ये जो डॉटेड लाइन है यहां से पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया तो अब पेपर ऐसा बचा अब इसमें ये कट कर दिया अब कट करने के बाद जब इसको खोलोगे पहले तो नीचे की तरफ खुलेगा ये तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन है ना इस तरीके से बन जाएगा और ये हमारा पूरा हो जाएगा ये इस तरीके से अब जब किनारे भी इसके खुलेंगे जब इसके किनारे भी जब आप इसको खोलोगे इस तरीके से तो ये जो कट है ये कट यहां पर आपको दिखाई देगा ये कट यहां पर आपको दिखाई देगा है ना ये कट यहां पर आपको दिखाई देगा ठीक ये कट यहां पर आपको दिखाई देगा ये इस तरीके से तो किनारे किनारे वाले भी कट आपको दिखाई देंगे बीच में सर्कल हो जाएगा यहां पर किनारे पे कोई कट नहीं है यहां पर किनारे पे कोई कट नहीं है कि इसने, इसने है. है नहीं है बोलो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन है बच्चे की नहीं है कह दो यस yes, सर बिल्कुल है ये देखो आंसर इसका ऑप्शन नंबर वन में दे रखा है क्या बात है क्या ही बात है है ना जी इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ तुमको चाहिए होगा ना मुझे पता है इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ तुमको यहाँ मिल जाएगा इसको ज्वाइन कर लो फटाफट से जल्दी से रीजनिंग विद ये हमारे टेलीग्राम पर है फटाफट से जाओ रीजनिंग विद ए एस आर ग्रुप है इसको ज्वाइन करो पीडीएफ तुमको वहां मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद गुड्स का कोड दिया है स्पून का कोड पूछा है गुड्स जी ओ ओ डी एस गुड्स का कोड आपको दिया गया है आई एम के जी पी गुड्स का कोड आपको दिया गया है और आपसे स्पून का कोड पूछा है तो गुड्स का कोड बना कैसे पहले तो ये जान लेते हैं चलो देखो इसमें क्या करना है सात से अगर मैं कह दूं नौ बन जाए तो कैसे बनेगा प्लस दो करके पंद्रह से तेरह यानी कि माइनस दो करके पंद्रह ग्यारह यहां पे तो माइनस चार हो गया चार पांच छह सात यहां पे तो तीन प्लस हो गया यहां पर तीन माइनस हो गया तो ये था लॉजिक प्लस दो माइनस दो माइनस चार प्लस तीन माइनस तीन समझ रहे हो समझ रहे हो अब आ जाओ इधर इधर क्या करना है इधर भी वही काम करना है पहले तो प्लस टू कर दीजिए तो उन्नीस बीस इक्कीस यानी कि यू फिर माइनस टू कर दीजिए सोलह माइनस दो चौदह यानी कि एन यू के बाद एन तुम्हें केवल और केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो बाकी ऑप्शन क्यों नहीं चेक करोगे हमें तो लगता है कि आपको आधे से भी कम क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मिल जाता है. मिल जाता है कि नहीं मिल जाता भाई बताओ मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा है ना क्या आप लोगों ने सेशन को लाइक किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है बेटा जी जी एक एक बार बार जरा चेक कर लो ना ना यार है फटाफट लो कि काफी सारे बच्चे तो लाइक भी नहीं किए होंगे देखो यहाँ ये कथन और निष्कर्ष स्टेटमेंट कंक्लूजन उड़ा दीजिए तुरंत खत्म कर दीजिए निस्तनाबूद कर दीजिए एकदम कुछ नीले पीले हैं समझे मेरे लाल पीले कुछ नीले पीले हैं कुछ पीले हरे हैं तो क्या करें तो क्या करें हम बताइए क्या ही किया जाए निष्कर्ष पूछा है तो क्या कुछ पीले नीले कुछ हरे हैं क्या देखो भाई क्या कह रहा है सम ब्लू इज येलो एंड सम येलो इज ग्रीन पूछ रहा है क्या कुछ ब्लू ग्रीन है तो बेटा ब्लू का ग्रीन से सीधा कोई रिलेशन नहीं क्या कुछ ब्लू ग्रीन नहीं है ऐसा भी कंफर्म नहीं कह सकते तो क्या आंसर करोगे अब यहां पर आइदर और नहीं होगा होगा सम और सम नॉट में सम और सम नॉट में आइदर और नहीं होता है ठीक है सम और नो में होता है ऑल और सम नॉट में होता है ठीक है सम और नो में होता है ऑल और सम नॉट में होता है अगला क्वेश्चन दिखाओ ये देखो इसमें क्या करना है इस आकृति को पूरा करना है ये थ्री फोर्थ पार्ट तो देख ही रहे बाकी का जो पार्ट बचा है वो कौन से ऑप्शन में है तो सबसे पहले तो इस लाइन को बढ़ाओगे इस लाइन को इस तरीके से बढ़ाओगे और ये यहां से ऐसे कर दोगे ये तो मैंने कर दिया बाकी आप भी बता दीजिए बाकी आप भी बता दीजिए जल्दी बता दीजिए फर्स्ट होगा ये जो सर्कल है यहां पर बने हैं ये यहां पर भी होगा और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी जो आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर वन में दिखाई दे रहे हैं क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर शाबाश बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो कवर का कोड आपको दिया गया है समझ लो कवर का कोड कितनी बड़ी बात हो गई है कवर का कोड आपको दिया गया है क्या एच के वाई सी एस कवर का कोड आपको दे दिया और क्विल्ट का कोड आपसे पूछा है क्विल्ट क्या होता है पता है आप लोगों को क्विल्ट का कोड क्या होगा तो कवर का कोड बना कैसे पहले तो ये समझना है सी का अपोजिट तो एक्स होता है सी का अपोजिट एक्स होता है एक्स दिख रहा है कहीं ओ का अपोजिट एल होता है एल दिख रहा है कहीं नहीं अब क्या करें आ? अब क्या किया जा सकता है बताओ भाई इसमें अगर अगर हम प्लस माइनस जैसा सोच लेते हैं देखो अगर यहां पर आर से एस ये सबसे ज्यादा करीब था तो हमने देखा कि यहाँ प्लस वन हुआ है ई से सी की बात करेंगे ये पांच है ये तीन है यहाँ पर माइनस दो हुआ था तो यहां देख लेते हैं ये बाईस है ये पच्चीस है यहां पर प्लस तीन हुआ था तो वन टू थ्री फोर और अब माइनस का फोर तो पंद्रह माइनस चार ग्यारह और यहां पर पांच हम प्लस कर देंगे तो पांच तीन आठ यानी टू वन में है लेकिन पहले प्लस है फिर माइनस है, है, है फिर प्लस है समझ पा रहे हो बात को लॉजिक समझ में आ गया है बता दीजिए इसका कोड क्या होगा लॉजिक समझ में आ गया है बता दो इसका कोड क्या होगा जल्दी लिप्सा साहू कैसे हो बच्चे बड़े दिनों बाद दिख रहे हो तो इसमें प्लस पांच करो सत्रह पांच बाईस यानी कि वी होना चाहिए ये हटा दीजिए ये हटा दीजिए यह हटा दीजिए लीजिए बात खत्म हो गई कुछ भी नहीं करना रहता यार ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाते हो पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाते हो कोई दिक्कत नहीं होती है लेट्स मेक इट सेवन हंड्रेड गाइस फटाफट से शेयर कर दीजिएगा जरा सा जल्दी थोड़ा थोड़ा शेयर करो कि सेवन हंड्रेड लाइफ करते हैं अभी आज ही तुरंत सेवन हंड्रेड लाइफ करते हैं फटाफट फड़ से साढ़े छह सौ के आसपास पास, स्टूडेंट है सेवन हंड्रेड प्लस करते हैं दो कथन है दो निष्कर्ष है बस और कुछ नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों में तो नहीं दिया है लेकिन कोई बात नहीं कोई बहुत मुश्किल इंग्लिश नहीं है यहां कह रहा है कि सम पेंसिल आर पेन तो कुछ पेंसिल को कुछ पेंसिल को तो सबसे पहले बेटा पेन कर दो फिर सभी पेन को बेटे कप कर दो जैसा बोला था वैसा हमने बना दिया कोई दिक्कत नहीं कोई परेशान क्या कह रहे हो भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं अब बताओ अब बताओ क्या कुछ कप पेंसिल हैं तो यहां पर दिख रहा है ना कुछ कप पेंसिल हैं दिख रहा है ये फॉलो करेगा कुछ पेन pen, क्या पेंसिल है तो पेन pen का पेंसिल से रिलेशन है ये भी फॉलो करेगा दोनों फॉलो कर रहे हैं बोथ कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा ये देखो बोथ कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था सब समझ रहे हैं ना भाई कोई ऐसा बच्चा जो ना समझ पा रहा हो सबको क्लियर हो रहा है सबको क्लियर हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है सिलॉक्स पढ़ लिया अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंटरनेशनल में मौजूद लेटर्स इंटरनेशनल वर्ड में मौजूद लेटर्स से हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते नहीं बना सकते कौन सा वर्ड नहीं बना सकते बोलो ग्रेविटी एक बार अपना वीडियो रेजोल्यूशन चेक कर लो जिस नाम से आपने आईडी बनाई हुई है आप लोग एक बार अपना अपना वीडियो रेजोल्यूशन चेक कर लीजिए वीडियो सेटिंग में जा करके चेक कर लीजिए अपना इंटरनेट कनेक्शन को एक बार जरा चेक कर लिया करो हाँ जी तो थ्री बोल रहे हैं बच्चे टर्मिनल और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल में एम कहीं पर भी नहीं आता है और इसी रीजन से ये जो थर्ड वाला वर्ड है ये हम नहीं बना सकते हैं नहीं बना सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बना सकते ना बेटे चलो कीप शेयरिंग कीप शेयरिंग जल्दी करो फटाफट फड़ से जल्दी जल्दी शेयर करो पेपर है ना अभी पेपर भी है ना लगे हुए हैं चाहते हो ना भी आगे इसी तरीके से पढ़ाते रहें शेयर कर दिए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ग्रेप्स अगर वाइन से रिलेटेड है तो कैशू किससे रिलेटेड होगा तो ग्रेप से आप क्या बना लोगे वाइन बना लोगे बना लोगे ना मेरे भाई ग्रेप से आप वाइन बना लोगे तो काजू से आप क्या बनाओगे वोट का फैनी ब्रांडी या फिर रम क्या बनाओगे अच्छा बहु, बहुत जानकारी ये क्वेश्चन को देखो सब लोगों को जानकारी फैनी बनेगी तो ग्रेप से वाइन बनता है कैशू से जो बनता है उसको हम बोलते हैं फैनी जो गोवा में बहुत पॉपुलर है है ना गोवा में लोग बहुत लिकर है एक है ना एक लिकर का ही फॉर्म है तो फेनी कैश्यू से बनाया जाता है पेंटर लॉयर सिंगर पेंटर लॉयर सिंगर इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा पेंटर लॉयर सिंगर वेन डायग्राम बताओ हम्म लड़ाई झगड़ा मत किया करो यार मेरी क्लास में मैं बता रहा हूँ अच्छा लड़ाई झगड़ा नहीं किया करो पेंटर लॉयर सिंगर क्या करोगे भाई देखो पेंटर क्या लॉयर कभी नहीं हो सकता मान लो लॉयर है वो पेंटिंग भी करता है पेंटर नहीं हो सकता है क्या क्या कोई भी लॉयर सिंगर नहीं हो सकता मान लो सिंगिंग भी करता हो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई हो सकता है तो मना तो नहीं कर सकते कि एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा कोई भी पेंटर सिंगर लॉयर को भी कोई भी नहीं होगा तो ये हम नहीं कह सकते कुछ पार्ट कह सकते हैं तो कुछ पेंटर जो है वो लॉयर हैं और कुछ लॉयर जो हैं वो सिंगर हैं और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लॉयर हों जो पेंटिंग भी करते हो सिंगिंग भी करते हो मल्टी टैलेंटेड लोग भी होते हैं ना दुनिया में यहां पर ऑप्शन नंबर वन देखो यहां पर करेक्ट आंसर दिया हुआ है क्या बात है बेटा बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया कीप शेयरिंग अभी मैंने एक क्वेश्चन जो है चार बजे वाले सेशन में पूछा था आपसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है मैंने कहा पूछ लेता हूं वरना फिर ये छूट जाएगा तो इसको अगर हम यहां पर इस तरीके से डिवाइड कर दें ठीक है तो एक दो तीन चार ठीक है यहां पर आप मुझे बताइए रेक्टेंगल कितने मिलेंगे मैंने एक ये क्वेश्चन आप लोगों को शाम को चार बजे वाला सेशन अगर आपने देखा होगा तो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर कितने आयत हैं यहाँ पर कितने आयत हैं यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पर क्या बता सकते हो शेयर करो जल्दी से 700 प्लस करना है अभी लटकाया मत करो यार बीच में फटाफट से शेयर करो जल्दी ये मैंने 4 बजे वाले सेशन में आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने कहा था कि 8 बजे मैं बता दूंगा आपको इसका आंसर तो ये मुझे अभी याद आया है तो मैंने कहा बता देता हूं मैं आपको फटाफट से बता दूं 13 अरे रेक्टेंगल बताने मेरे भाई ये एक रेक्टेंगल होता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह तो ऐसे ही दिख रहे हैं और ये तुमको मतलब नहीं लगता है कि इन दोनों को मिला करके रेक्टेंगल बनता ही हाँ ये दोनों मिलकर के रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे ये दोनों मिलकर के रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे अरे जितने भी थे पांच रो थे चार रो थे उसके चक्कर में मत पड़ो कॉन्सेप्ट सीख लो फिर वहां पर भी लगा देना देखो रो में कितने हैं वन टू थ्री फोर कॉलम में कितने हैं वन टू थ्री कॉलम में तीन है रो में चार हैं जब भी इस तरीके का मिलेगा तो जितने रो में है वो सबको ऐड कर लो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है ये रो हो गया जितने कॉलम में है जितने कॉलम में है उन सबको ऐड कर लो वन टू थ्री तो वन प्लस टू प्लस थ्री और इनका क्या कर लो इनको मल्टीप्लाई कर दो इनको क्या कर दो इनको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल से इतना सा काम करना है तो चार तीन सात सात दो नौ और एक दस हो जाएगा ये दस हो गया यहां पर करो तीन चार पांच छह ये छह हो गया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया सिक्सटी हो गया तो भाई साहब यहां पर आयतों की जो संख्या है रेक्टेंगल की जो संख्या है वो साठ है अब गिनने बैठो तो बै, बैठो समझ में आ जाएगा समझ में आ गया एक बार जल्दी से शेयर कर दो अगर समझ में आ गया है तो फटाफट फड़ से शेयर कर दो साठ इसका आंसर होगा एकदम बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गई बात सभी लोगों को फटाफट फड़ से एक बार एक बार जल्दी से शेयर कर दो अगर समझ में आ गया है तो सिक्सटी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा आप कह रहे हैं कुछ लोग कि मुझे पता था सर अच्छा पता था आपको पता था अगर आपको इसमें बताओ कितने रेक्टाइंगल्स हैं कितने रेक्टाइंगल्स हैं यहां पर फटाफट से बताओ कितने रेक्टाइंगल हैं यहां पर जल्दी से बताओ नब्बे ये होता है आंसर कीप शेयरिंग बच्चों जल्दी जल्दी शेयर करो यहां पर कितने रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं बेटा यहां पर गिनो एक दो तीन चार पांच रो में आपको कितने मिल गए रो में आपको मिल गए पांच कॉलम में अगर आपसे पूछा जाए कॉलम में कितने मिल गए तो वन टू थ्री कॉलम में तीन है रो में पांच है जोड़ो इन सबको ऐड करो दो तीन तीन छह चार दस और पांच पंद्रह ये पंद्रह हो गया इसको जोड़ दो एक दो तीन तीन छह ये छह हो गया तो इधर से छह हो गया इधर से पंद्रह हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो फिफ्टीन सिक्स नाइनटी करेक्ट आंसर नाइनटी खत्म बात कुछ नहीं करना ठीक है खत्म यहां पर कुछ नहीं करना था और अगर मान लो अगर मान लो तीन कॉलम होते तीन रो होते अगर तीन कॉलम होते तीन रो होते यहां से यहां तक का अगर खाली फिगर होता और इसमें अगर आपसे पूछा जाता कि इतने में कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं तो क्या करते इतने में कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं तो क्या करते तो रो में कितने हैं तीन कॉलम में कितने हैं तीन रो में तीन कॉलम में तीन तो क्या कर दोगे रो में तीन कॉलम में तीन तो क्या कर दोगे तो कुछ नहीं करना तीन का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस एक का क्यूब अगर बराबर होते हैं रो और कॉलम में तो इन सब का क्यूब करके ऐड कर देना तीन का क्यूब सत्ताईस प्लस आठ प्लस एक ठीक है सत्ताईस प्लस आठ प्लस एक तो सत्ताईस और एक हो जाता है अट्ठाईस अट्ठाइस और आठ कितना हो जाएगा अट्ठाइस और दो तीस और तीन सॉरी छह छत्तीस तो यहां पर छत्तीस हो जाता है आंसर तो इस तरीके से रेक्टेंगल को काउंट करना समझ में आ गया एक बार शेयर करो जल्दी से एक बार फटाफट से शेयर करो समझ में आ गया होगा जल्दी से एक बार शेयर करो जी बहुत बढ़िया शाबाश और स्क्वायर वाले तो तुम लोगों को मैंने पहले ही बता रखे स्क्वायर वाला तो मैंने पहले ही बता रखा है तुम लोगों को तो इसमें कोई भी परेशान नहीं होगा स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर कितने मिलेंगे जब हम स्क्वायर की बात करेंगे स्क्वायर वर्ग वर्गो की संख्या कैसे निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे वर्गों की संख्या क्या बता देंगे वर्गों की संख्या के लिए वन टू थ्री रो में तीन कॉलम में देखोगे कॉलम में भी तीन रो में तीन कॉलम में तीन तो इसमें बस स्क्वायर कर देना इसमें क्या कर देंगे बच्चे हमारे स्क्वायर कर देंगे तीन का नौ, दो का स्क्वायर स्क्वायर तो एक दस और चार चौदह लो खत्म बात चौदह मिल रहे हैं इसमें यहां पर है कि नहीं चलिए जी तो इतनी बात सबको समझ में आ गई अब हर का नहीं बता पे देखो आकाश सर आ चुके हैं कह रहे हैं डू लाइक एंड शेयर गाइज तो सर की बात मानू और सर की क्लास होगी अभी नौ बजे से तो अच्छा सर कह रहे हैं कि सर जी बस करो सर ये कह रहे हैं एक्चुअली मैसेज इसीलिए कर रहे हैं कह रहे हैं कि बस करो अब नौ बजने जा रहे हैं इसीलिए मैसेज कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ सर आपकी भावनाओं को ठीक है चलिए बंद करूंगा मैं अभी बहुत जल्दी तो स्क्वायर के लिए आपको पता है ये लगा लेना तरीका रेक्टेंगल के लिए ये तरीका अपना लेना चाहे रो और कॉलम बराबर हो चाहे रो कॉलम बराबर ना हो ठीक है ठीक चलो सर और पढ़ाओ अरे पढ़ाओ पढ़ाओ तो ऐसे बोलते हो जिंदगी दे दे हम तुम्हें यहाँ पर शेयर तो करते नहीं हो तुम लोग अच्छे से चलिए जी ये बोल करके मैं उनको जो है वो कर दूंगा जो बेचारे हमारे रेगुलर शेयर करते हैं तो वो उनका उत्साह थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा बच्चे हमारे शेयर भी करते रहते हैं अच्छी बात है एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए पूरा सेशन देखने के लिए हमने 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं ये बैच है आपका आपको इसको एनरोल करना है ये एक ऐसा बैच है जो आपका एस के सभी एग्जाम्स को कवर कर देता है चाहे वो सी हो सी हो स्टेनो हो जी डी ओ एम हो सी पी हो, हो या कोई भी एग्जाम जो एस कंडक्ट करता है ठीक है एस एस लाइव कोचिंग फ्रेशर्स एक साल का बैच है ठीक है फ्रेशर्स एक साल का बैच है ये सभी फैकल्टीज हैं उसमें जो आपको पढ़ाएंगे ठीक है ये सभी फैकल्टीज मिलकर के आपको पढ़ाएंगे आपका सिलेक्शन कराएंगे ये टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग विद ए एस के पीडीएफ अभी चाहिए होंगे यहां पर मिल जाएंगे रीजनिंग विद ए एस ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी तुरंत ठीक है और इस बैच का जो प्राइस था अरे हटो नहीं हटोगे इस बैच का जो प्राइस था वो फोर ट्रिपल नाइन था अभिनव एस कूपन कोड लगा के एडमिशन लीजिएगा ए बी एच आई एन ए वी एस ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो थ्री ट्रिपल नाइन का हो जाएगा ये ओके जी चलिए कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो माता रानी आप लोगों के ऊपर कृपा बरसाए और आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो अपना नंबर दे दो हाँ इन सब लोगों को मेरा नंबर चाहिए ग्रुप में आ जाओ नंबर वहाँ मिल जाएगा ठीक है ग्रुप में आ जाओ वहाँ नंबर मिल जाएगा चलो जी तो मैं निकलता हूँ अभी रात हो गई जाके खाना खाएंगे भूख लग रही बहुत तेज़ आप लोग भी पढ़िए और खाना वाना खा लीजिएगा टाइम से बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग कल फिर मुलाकात करेंगे रात में आठ बजे बाय